नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्र आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो मोटर दिख रही है इसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल मोटर कैसे वर्क करती है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन हैं, कैसे इसके कनेक्शंस होते हैं और इसको मैं ऑपरेट करके भी आपको दिखाऊँगा। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसको देखने से पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको पहले फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ, उसका सर्किट डायग्राम जैसे वो दिखता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और अगर आपको साफ दिख रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर जो है इसको हम लोग एसी सीरीज़ मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है, जैसे ये देखिए फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर है, तो इन दोनों की वाइंडिंग जो होती हैं वो सीरीज़ में लगी होती हैं, इसलिए हम लोग इसको एसी सीरीज़ मोटर कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का इसका नाम देने का ये रीज़न है क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि एसी और डीसी सप्लाई, यानी कि चाहे आप इसमें एसी दें और चाहे डीसी दें, दोनों सप्लाई पर ये काम करेगी। उसके अलावा अगर अभी मैं आपको इसका वो दिखाऊँगा मोटर में कनेक्शन, इसके आप पहले इस डायग्राम में कनेक्शन समझें तो ये आपको इसके फील्ड पोल्स दिख रहे हैं, ये फील्ड पोल्स हैं, ये फील्ड पर वाइंडिंग बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसके कनेक्शन अगर देखें तो ये देखिए वाइंडिंग हमने करी, इस तरीके से वाइंडिंग करते करते यहाँ पर आए, फिर आर्मेचर में वही वाइंडिंग गई है और आर्मेचर में वो वाइंडिंग हुई है, उसके बाद फिर यहाँ से निकल के फिर इस पोल पर वाइंडिंग हुई है और यहाँ आ गई है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम सप्लाई देते हैं। ये सारे कनेक्शन दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, ये सारे कनेक्शन सीरीज़ में हैं, कोई भी पैरेलल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये कार्बन ब्रश हमने दिखा रखे हैं, ये देखिए कार्बन ब्रश लिखा हुआ है और इसे एसी सीरीज़ मोटर कहते हैं। टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा होता है और मोटर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस मोटर का यूज़ जो हम लोग करते हैं, ये बेसिकली मोटर हमारी मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होती है या ड्रिल मशीन में इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है इसको, जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो। जैसे आप ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पावर ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको दीवार में होल करना है या दीवार तोड़नी है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं। या मिक्सर ग्राइंडर में कोई हेवी चीज़ अगर उसको मिक्स करना है, पीसना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि एक सीरीज़ मोटर है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क, शुरुआती पावर जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों कभी भी इसे जो है बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए, हमेशा लोड लगा के ही चलाना चाहिए क्योंकि सीरीज़ मोटर है। अगर आप बिना लोड के चला रहे हैं तो इसमें वोल्टेज जो है वो कम दीजिए, अगर 220 वोल्ट है थोड़ा कम वोल्टेज देकर आप इसको चला सकते हैं, जैसे मिक्सी में हम लोग करते हैं, पहले स्पीड कम रखते हैं फिर बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज कम ज़्यादा ही होता है। अब इसके पार्ट्स मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आप वाइंडिंग में देखिए, यहाँ पर ये आपका रोटर है, इस जगह पर आप देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है कम्यूटेटर है मोटर का और ये रोटर है, इसको मैं घुमाऊंगा तो देखिए इस टाइप से ये घूम रहा है और नीचे से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर है, मेनली इसका काम एसी को डीसी में चेंज करना होता है। उसके बगल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है और ये कार्बन ब्रश है, इनसे वायर कनेक्टेड है, ये देखिए ये वायर कनेक्ट है और ये वायर कनेक्ट है। अब मैं इसकी आपको कैसे इसकी वाइंडिंग हुई है वो दिखाऊँ, तो सबसे पहले देखिए ये दो सिरे मैंने बाहर रख रखे हैं, ये दो सिरे जो हैं ये बाहर रख रखे हैं और ये दोनों सिरे देखिए वाइंडिंग से आए हुए हैं, ये फील्ड वाइंडिंग से आया हुआ है ये वाला सिरा और दूसरा वाला जो ये सिरा है ये भी फील्ड वाइंडिंग से आया हुआ है। अब मैं आपको इसकी वाइंडिंग समझाऊं तो देखिए सबसे पहले ये वाइंडिंग इसके अंदर इंटर हुई है, उसके बाद पूरी वाइंडिंग होने के बाद ये ब्लैक वाला वायर जो है निकल के हमारा इस कार्बन ब्रश में गया हुआ है। कार्बन ब्रश हमारा अंदर से आर्मेचर से कनेक्ट है, फिर आर्मेचर से वही कार्बन ब्रश दूसरा कार्बन ब्रश निकला हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो इस वाइंडिंग से जाके और फिर वायर को हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये वाला वायर आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि टोटल ये सीरीज़ में कनेक्ट है। इसको दोस्तों फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ये जो बाहर रुकी हुई ये स्टेटर है जिसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं और जो बीच में आपका लगा हुआ है ये आर्मेचर है जो कार्बन ब्रश के थ्रू इसमें सप्लाई जाती है और ये घूमना शुरू करता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाना इस फील्ड वाइंडिंग का काम होता है। जब भी कोई धारावाही चालक जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, जब उस कॉइल से भरे किसी रोटर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस पर एक टॉर्क लगता है और वो घूमने लगता है। इसी प्रिंसिपल पर दोस्तों ये मोटर काम करती है। अब आपको मैं दिखाऊं कि कैसे इसको सप्लाई से जोड़ना है, तो चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे। दोस्तों इस मोटर को मैंने सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है।
ये ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों बस काम इतना ये होता है कि वोल्टेज को कम करके देता है या बढ़ा करके आप दे सकते हैं। इसका रेंज जो ऑटो ट्रांसफार्मर का है वो आप देख लीजिए, 0 से 260 तक है। इसको जब मैं ऐसे घुमाता हूँ तो वोल्टेज बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों हम इस मोटर को बिना लोड पर चला रहे हैं और इसका टॉर्क काफ़ी हाई होता है। अगर पूरा लोड देंगे तो ये मोटर अभी फिलहाल कहीं फिक्स नहीं है, रुकी नहीं है, ऐसे मूव कर सकती है, इसलिए इसमें टॉर्क इतना ज़्यादा होगा कि ये रुकेगी नहीं और इधर उधर भागेगी। इसलिए मैं इसे ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि देखिए कैसे इसका ऑपरेशन करना है। फिलहाल दो वायर जो निकले हुए थे उन वायर्स को मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल्स पर दे दिए हुए हैं और अब मैं इसे घुमा के आपको दिखाऊँगा। जब 40 वोल्ट दिया है तो कितनी स्पीड है, फिर 60 वोल्ट दिया है तो कितना स्पीड है, इस टाइप से वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज पर मैं इसकी स्पीड आपको दिखाऊंगा और टॉर्क भी आप देखिएगा इसका कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों सप्लाई से मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर को पहले कनेक्ट कर दूं और यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है, आपको लाइट ऑटो ट्रांसफार्मर पर दिख रही होगी। अब मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करता हूँ। 60 वोल्ट दिया मैंने, देखिए 60 वोल्ट पर थोड़ा बहुत मोशन आया था उसके ऊपर। देखिए 80 वोल्ट पर ये मोटर काफ़ी स्पीड में घूम रही है, आप लोग देख लीजिए इसको। और जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए मैं वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं वोल्टेज अगर बढ़ाता हूँ तो मोटर अपनी जगह से मूव करने लग रही है, इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा वोल्टेज देने वाला नहीं है क्योंकि स्टेबल नहीं है तो ये इधर उधर भागेगी। और वोल्टेज आप देख लीजिए, अभी 100 वोल्टेज भी हमने इसको दिया नहीं है और ये जो है काफ़ी तेज़ घूमने लग रही है। इसको अगर और तेज़ देंगे तो ये देखिए मूव कर रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऑपरेशन है एक यूनिवर्सल मोटर का, इस तरीके से ये ऑपरेट होती है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई देकर इसको चालू किया जा सकता है। इसको मिक्सर ग्राइंडर या ड्रिल मशीन वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इलेक्ट्रिक वर्क का काम सीखना चाहते हैं। और ITI से रिलेटेड अगर आप हैं तो इसको ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ITR से रिलेटेड वीडियोस पढ़ते रहते हैं और जो भी न्यूज़ होती है वो आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसका इंटरनल सर्किट क्या है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।